أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. 22वीं तरावी और 27वां पारा मुकम्मल हुआ है और शबीने की आज इंशाअल्लाह दूसरी रात होगी। मुख्तसरन दो बातें कल की तिलावत के हवाले से करनी हैं। قالت الأعراب آمنا وإن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا। कुरान में अल्लाह फरमाता है आपके पास आएंगे लोग देहाती आराब और आकर क्या कहेंगे कि हम ईमान लाए, तो उनसे कहा जाए कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। मैं इसकी पूरी तफसील में इस वक्त नहीं जा सकता। एक है लफ्ज़ मुस्लिम, एक है लफ्ज़ मोमिन। आपने वो हदीस सुनी होगी मिश्कात शरीफ की पहली हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक शख्स आया जैसे कोई मुसाफिर होता है, घुटने जोड़ कर नबी पाक के घुटनों से दोजाने बैठ गया और उसने सवाल किए तीन, मल इस्लामो या रसूल अल्लाह, मल ईमानो या रसूल अल्लाह, मल एहसानो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए। जब आप जवाब देते थे तो कहता था आपने सच कहा। सहाबा कहते हैं हम हैरान हुए, सवाल भी कर रहा है और खुद उसके आगे तस्दीक भी कर रहा है। जब वो चला गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने पहचाना ये कौन था? ये जिब्रील था। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनुकुम, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने आसान लफ्जों में ये मसला हल कर दिया। टाइम नहीं वरना मिसाल दे के समझाता। किसी ने उनसे पूछा कि मुस्लिम कौन है, मोमिन कौन? तो आपने फरमाया मुस्लिम वो है जो इस्लाम में आ गया। मुस्लिम कौन, मोमिन कौन है? फरमाया जिसमें इस्लाम आ गया। बात आसान हो गई समझना। बहुत से लोग कलिमा पढ़ते हैं मुस्लिम है मगर मोमिन, क्योंकि उनके अंदर इस्लाम नहीं आया। अब इस्लाम का अंदर आने का मतलब ये है कि आपके अंदर ईमानी तब्दीली इनकलाब आ जाए। अकेले में भी हों तो आप अल्लाह से डरें। मस्जिद में हो सकता है आप नमाज पढ़ रहे हों तो संभल के पढ़ रहे हों,
दूसरा देख रहा है, अकेले में कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि उस वक्त तो कोई और इंसान देख नहीं रहा होता। ये आपके लिए है कि आपकी ये हालत होनी चाहिए कि आपको अल्लाह देख रहा है। अल्लाह एक होता है मुशाहदा, देखना। मैं आपसे कहूँ सांप स्नेक बहुत खतरनाक है, आप भी मानते हैं या नहीं कि सांप खतरनाक होता है? मगर आपको डर नहीं लग रहा, इल्म है मगर डर, और अगर सामने आ जाए तो फिर क्या हाल होगा? इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन, देखेंगे तो आपको और मुखालत होगी। हमें इल्म है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह वाले हर चीज में अल्लाह को देखते हैं, उन्हें हर शय में अल्लाह के जलवे नजर आते हैं, इसलिए वो तन्हाई में भी कोई ऐसी बात नहीं करते जो अल्लाह को पसंद नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये, बहुत से लोग सवाल करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, सारी दुनिया मुसलमान होती, जो कहने वाले कहते हैं करबला में इमाम हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई, अल्लाह ने उनकी मदद क्यों नहीं की। अल्लाह फरमाता है मोमिनों की मदद करना हमारे जिम्मे करम पर है, तो उसका जवाब कुरान की ये आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की, अल्लाह के दीन की, अल्लाह के मखलूक की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह की मदद कैसे होगी कि परेशानी में, मुश्किल में तुम्हें घबराहट नहीं होगी बल्कि तुम्हें साबित कदमी आता होगी। तो हक पर साबित कदम रहना, ये अल्लाह की मदद नहीं है तो और क्या है? भाई एक लाश घर में पड़ी हो तो दुश्मन से आप सुलह पे मजबूर हो जाते हैं, गुस्सा भूल जाते हैं। इमाम आली मकाम ने कितनी कुर्बानी दी फिर भी कदम पीछे नहीं हटाया, तो ये अल्लाह की मदद नहीं थी तो क्या था? तो हक पर साबित कदम रहना, ये अल्लाह की सबसे बड़ी मदद है, इसमें कोई शुबा ऊँची कह दीजिए नहीं है। दूसरी बात ये, जो लोग कहते हैं सिर्फ कुरान को मानेंगे, उसी कुरान में है कि जिस तरह तुमने कुरान को मानना है, अल्लाह का हुक्म मानना है, नबी का भी हुक्म मानना है, नबी का हुक्म भी मानना है। नबी का हुक्म नहीं मानोगे और कहोगे सिर्फ कुरान को मानते हैं तो ये मानना नहीं होगा। अपने आमाल को बातिल ना करो, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, अल्लाह का भी कहना मानो, नबी का भी कहना मानो, ये याद रहे। हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि नबी गुनाहों से पाक होते हैं, मासूम होते हैं, कोई शुबा। ये सूरह फतह की जो इब्तिदाई आयत, लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्खर, कुछ लोग इसका तर्जमा करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताकि अल्लाह बख्शे आपके अगले पिछले गुनाहों को, कुछ लोग ये तर्जमा करते हैं। आला हजरत ने क्या तर्जमा किया,
ताकि अल्लाह बख्शे आपके सदके आपके अगलों पिछलों के गुनाह। अगर नबी को ही माअज़ल्लाह गुनाहगार कहेंगे तो फिर हमारे पास सच्चाई का दूसरा क्या मेयार रह जाएगा। नबी गुनाहों से मासूम होते हैं, ये अकीदा रखना है। नबी गुनाह करते नहीं। हम कितने ही पाक हों, कितने ही साफ हों, सहाबी के बराबर नहीं हो सकते तो नबी के बराबर कैसे होंगे। तो नबी गुनाहों से मासूम होते हैं, पाक होते हैं, कोई शुबा। ऊँची कह दीजिए, ये भी आपने सुन लिया। सूरह हुजुरात ये 26वें पारे में है और इसमें अल्लाह ताला ने नबी पाक के आदाब बयान किए हैं। उससे पहले एक बात और कर लूँ, अगर ये आज ना हुई तो कल कर दूँगा। हज़रत उस्मान गनी, सब कहें रदियल्लाहु ताला, खलीफा सोम है, नबी पाक की फूफी जात बहन के बेटे हैं, अशरा मुबशरा में से है, हुजूर की दो बेटियों के शौहर, इसीलिए उनको ज़िन्नूरैन कहा जाता है, दो नूर वाले। दो नूर कौन? नबी की दो बेटियां। तो जिसकी बेटियां नूर हैं वो नबी नूर नहीं है, सोचने की बात है। ये वाक़या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने की नीयत से आए, 1500 सहाबा साथ थे, अभी मक्का शहर में दाखिल नहीं हुए थे। मक्का में उफवा, मुंह से जो बात निकाल दी जाती है, वो उड़ा दी कि मुसलमान लड़ने आए हैं। हुदैबिया, जद्दा से मक्का जाएं तो हुदूद हरम जहाँ से शुरू होती है उसके करीब ये जगह है जिसका नाम हुदैबिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, हज़रत उस्मान गनी को नुमाइंदा बना के भेजा कि तुम्हें मक्का वाले सारे जानते हैं, जाओ उनको बताओ हमने एहराम पहने हुए हैं, हम लोग लड़ने नहीं आए, उम्रा करने आए हैं, तो हमें इजाज़त दो। हज़रत उस्मान गनी चले गए बात करने। इधर सहाबा ने कहा उस्मान बड़े खुशनसीब हैं, वो मक्का चले गए हैं, हम बाहर बैठे हैं, ये जाएंगे तवाफ भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। हुजूर ने सुन के फरमाया, उस्मान हमारे बगैर काबे का तवाफ नहीं करेगा। ये ख़ास ताल्लुक, ये ख़ास बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके पीर हैं, मैं आज कहूँ मेरा मुरीद ऐसा नहीं करेगा और वो कर ले तो मेरी बात कच्ची हो जाएगी। नबी पाक फरमा रहे हैं, कितना एतमाद है। हज़रत उस्मान गए, उन्होंने बताया हम उम्रा करने आए, लड़ने नहीं आए, उम्रा करके चले जाएंगे। उन्होंने कहा हम मान लेते हैं, मगर इस वक्त बात फैल गई है, किसी ने शरारत कर दी, हंगामा हो गया, मुश्किल हो जाएगी, अभी तुम लोग वापस चले जाओ, फिर कुछ दिनों बाद आ जाना, हम नहीं रुकेंगे। और तुम तो आ गए और ये सामने काबा है, तवाफ़ कर लो। तो हज़रत उस्मान ने कहा मैं अपने नबी के बग़ैर काबे का तवाफ नहीं करूँगा। हज़रत उस्मान की शान मालूम हुई। कुछ लोग कहते हैं अगर नबी को पता होता कि हमें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा तो नबी आते ही नहीं। पता चला कि नबी को पता नहीं था, इनको खूब पता चलता है। पता चला अगर ये वाक़या ना होता और आज कोई जाता और उसको दाखिले की इजाज़त ना मिलती, वो क्या करता, क्या नमूना होता उसके पास, क्या मिसाल होती। तो मिसालें कायम होनी थी, इनकी सोच इनकी अपनी सोच तक है,
ये नबी की बात को समझ सकते नहीं। नबी ने कयामत तक के लिए कानून बनाना था। उधर पीछे मुसलमानों में किसी ने ये बात उड़ा दी कि हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया गया है। सहाबा जोश में आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बबूल, जिसको कीकर भी कहते हैं, इंग्लिश वाले अकेशिया कहते हैं, उस दरख्त के नीचे बैठे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने आकर बैअत शुरू कर दी कि हम हज़रत उस्मान के खून का बदला लेंगे, जिहाद करेंगे। नबी पाक ने बैअत लेना शुरू कर दी। ये भी कहते हैं लोग कि देखो, हुजूर को पता था कि हज़रत उस्मान कत्ल नहीं हुए तो हुजूर ने क्यों बैअत ली। इनकी सोच फिर यहीं तक, बात सुन ले पूरी। जब सब ने बैअत कर ली तो हुजूर ने फरमाया, मेरा ये हाथ उस्मान का हाथ है, मेरा ये हाथ उस्मान का हाथ है, और अपने दूसरे हाथ पर हजरत उस्मान की तरफ से बैअत ली कि ये उस्मान की तरफ से, यानी हजरत उस्मान भी बैअत में शामिल हुए। नबी ने अपने हाथ को किसका हाथ करार दिया? उन्हीं के हाथ से उम्मत को कुरान मिला है। ये नबी ने इशारा कर दिया कि ये ना समझना कि उस्मान के हाथ से मिला है, बल्कि मेरे हाथ से मिला है। हजरत उस्मान के, अल्लाह फरमाता है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन। ये तो कहते हैं ना, नबी को पता होता तो बैत ना लेते। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह राजी हो गया उन मोमिनों से, इज युबायउनका, कब, जबकि वो बैत कर रहे थे नबी के हाथ पर, तहत शजारा, दरख्त के नीचे नबी के हाथ पर बैत कर रहे थे, उन सब से अल्लाह राजी हो गया। क्यों? फ़अलिमा मा फी कुलूबिहिम, अल्लाह जानता है उनके दिल में क्या था। इसको बैअते रिदवान कहते हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए अपनी रजा, सकीनत का मुजदा, खुशखबरी उतार ली थी। ये कह रहे हैं बैअत क्यों ली? नबी को पता था इन सबको खुशखबरी मिलने वाली है, इनके लिए जन्नत की बशारत मिलने वाली है। तो ये अपनी सोच तक रहते हैं, मगर इनको मालूम नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से सब कुछ जानते हैं, जानते हैं बिला शुबा। ये टाइम ख़त्म हो रहा है सूरह हुजरात पर, इंशाअल्लाह कल बात करेंगे। अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, वो ज़ात जिसने भेजा अपने रसूल को, हुवल्लज़ी, हुवा ये ज़मीर है, अरसला रसूलहू, आगे फरमाया ये इसमें मौसूल है, ज़मीर का पता नहीं चलता जब तक मर जा के वो किसकी तरफ इशारा है, किसकी तरफ लौट रही है, और इसमें मौसूल का पता नहीं चलता जब तक सिला सामने ना आए। अल्लाह ने हुवल्लज़ी नहीं फरमाया, हुवल्लज़ी फरमाया। मुख्तसर ये कि अल्लाह अपना तारुफ करा रहा है तो अपने हबीब के ज़रिए करा रहा। मैं समझा दूँ, ये बैठे हैं, मैं इनसे कहूँ कि आपको उसने सलाम कहा, ये पहचान लेंगे ये उस कौन है? नहीं पहचानेंगे ये उस कौन है? मैं इनसे कहूँ उसने सलाम कहा है जिसने आपको टोपी दी थी, तो अब इनको याद आ जाएगा, इनको याद। अल्लाह क्या फरमा रहा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो जिसने भेजा अपने रसूल को, तो अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है तो अपने हबीब के ज़रिए हिदायत और सच्चा दीन देकर, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, ताकि तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। एक दिन आएगा पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, पूरी दुनिया में क्या होगा? इस्लाम होगा।
उसके बाद फिर हालात बदलेंगे। अल्लाह का वादा है, ये जितने लोग इस्लाम को मिटाने दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये मिट जाएंगे, इस्लाम गालिब आएगा। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा। मुझसे गुफ्तगू में कहीं कोई गलती हुई हो अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। आज शबीने की दूसरी शब, 10 बारे रात को पढ़े गए, 10 आज पढ़े जाएंगे। आज 21 रमदान मौलाए कायनात हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजह करीम का यौम शहादत, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा।